हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आई एम डॉक्टर दीपा भारद्वाज, योर फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे CSIR एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं और लास्ट दिसंबर में हमारा ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मैं आपको पिछले वीडियोस में कैसे हमें स्ट्रेटेजी बना के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको खुद को प्रिपेयर करना है, बहुत ही डिटेल में अच्छे से बता चुकी हूँ। हमने अपनी वीडियोस में काफ़ी टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, क्वेश्चंस कराए हैं एंड विद सॉल्यूशन। तो मैं होप कर रही हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प मिल रही है हमारे इस मीडियम से, गुरु इंस्टीट्यूट से। हमारा यहाँ पे मोटिव यही है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, एक अच्छी रैंक लेकर आएँ और जहाँ पर भी आप अपना फ्यूचर परस्यू करना चाहते हैं, चाहे वो बेशक से PhD है किसी IIT से या फिर कोई एक अच्छी जॉब है जो आप गेट के थ्रू ONGC या BRC में जाना चाहते हैं, तो उस सभी के लिए हम इस पोडियम पे खड़े होकर आपकी पूरी हेल्प करने को हमेशा रेडी हैं। काफ़ी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का इम्पॉर्टेंट हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास में जो भी हमने टॉपिक्स के बारे में आपको बताया है, केमिकल बॉन्डिंग है, इनऑर्गेनिक का बहुत सारा पोर्शन हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास में जिसकी वेटेज है वो आती है जैसे 5 से 7 नंबर का आ गया, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके 3 से 4 लेक्चर्स देखें और उसके बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही आपको करना है। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करके हम इसको कराते हैं। सारे छोटे टॉपिक्स बड़े टॉपिक्स मिलके हमारे पास में एक पूरा आपका कॉम्बो बन जाता है जिसमें आप Part C एंड Part B को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो यही हमारा यहाँ पे आज का भी एक मोटिव रहेगा कराने का, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप इस लेक्चर को अटेंड करिए और कोई भी अगर आपको क्वेरी बायो इनऑर्गेनिक के लिए है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और आप हमें बताइए कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए अभी डिफ़िकल्ट हैं जिसको हमें यहाँ पे कराना चाहिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम गुरु इंस्टीट्यूट के अंदर CSIR नेट के साथ में गेट का भी पूरा कोचिंग करा रहे हैं। क्रैश कोर्स भी इसमें हमारा अवेलेबल है। अगर आप गेट की कोचिंग करना चाहते हैं तो इसमें हम यहाँ पर आपको सारे शॉर्ट टॉपिक्स उसके साथ में इस क्रैश कोर्स के अंदर सारे रिविजन कराना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना नेट और गेट के, ये सभी हम आपको कराते हैं यहाँ पे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बायो इनऑर्गेनिक, हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का क्या यूज़ है, यूटिलाइजेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है बायो के फील्ड में। इसका मतलब क्या होगा कि हम अपना मेटल जो है यहाँ पे लेने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि हमारा कहाँ से हो सकता है, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत अच्छे से ट्रैपिंग करते हैं हमारे मटेरियल्स इसके बायो फील्ड के अंदर, और कैसे 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 हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ में, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या करेगा भाई, यहाँ पे स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर द देयर यूटिलाइजेशन इन बायोलॉजी। ओके, अच्छा मेन फोकस हमारा कहाँ पे होगा, अभी मैंने आपको बताया मेटल आयंस का होगा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका इंट्रैक्शन बायोलॉजिकल लीगेंट्स जो कि मैक्रोसाइक्लिक लीगेंट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हेमाटिन है, ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी, एंड दे आर एबल टू एग्जिबिट एंड इम्पार्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। तो हम अपने बायोलॉजिकल लीगेंट्स को देख रहे हैं कौन से इनऑर्गेनिक मेटल्स के साथ में, जैसे कि हमारे पास में आयरन होगा, कोबोल्ट है, निकिल है, ये सारे हमारे पास में इनऑर्गेनिक मटेरियल में काउंट होते हैं, है ना। इसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज को हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिगेंड बाइंडिंग, कैटालिसिस रेगुलेशन, सेंसिंग डिफेंस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो देखिए कैटालिसिस के अंदर हम किसको यूज करते हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल लिगेंड्स हैं वो मेटल के साथ में इंट्रैक्ट करते हैं, एक मोइटी बनाते हैं जिसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैटालिसिस में यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं मेटल आयंस, बायोलॉजिकल लिगेंड्स के सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और यही इसकी इतनी सारी एप्लीकेशन से ऐसा रीज़न है कि हमें ये एक बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हमें अपने CSIR नेट हो, बेशक से हमारा गेट का पेपर हो, या कोई भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसके अंदर केमिस्ट्री आती है, उसके अंदर ये टॉपिक हमें हमेशा मिलता है।
वेटेज बेशक से इसका कम है बट क्वेश्चन आने की अश्योरिटी पूरी पूरी होती है हर बार पेपर में। तो इस टॉपिक से ना सिर्फ आपको नेट एंड गेट में हेल्प मिलती है, अगर आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि हमारे पास में जियो साइंटिस्ट का पेपर आता है, उसके अंदर भी बायो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पास में ऑल इंडिया का जो आपका लेवल है उसके सारे के सारे केमिस्ट्री के ओरिएंटेड एग्जाम्स हो, चाहे वो पीजीटी है या कोई और एग्जाम है, सबके अंदर बायो ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी के साथ में हमें जनरल साइंस के अंदर भी ये टॉपिक देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत बारी आपको हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में पूछा हुआ है, कहाँ पे उनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, कहाँ पे डायामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक सारे एग्जाम्स के प्रस्पेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो एप्लीकेशंस को आपको याद रखना है। देखिए मैंने पहले भी बार बार इस बात को आपसे शेयर किया है कि जितना ज़्यादा आप टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर आपको रीज़न पता होगा कि बायो इनऑर्गेनिक का पढ़ने का मेरे पास क्या रीज़न है, क्या इंटरेस्ट है। तो देखिए आप यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, HbA1c हम अपना जाके चेक कराते हैं कितना हमारे पास में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे जानने का मौका मिल रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर लंग से हीमोग्लोबिन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज कहाँ पे होता है, फिर जो स्टोर आपने डाइऑक्सीजन को किया है वो क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से रिएक्शंस अंदर हो रहे हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट अगर डेवलप आप कर लेते हैं उस टॉपिक में, फिर आपको कोई भी चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसे समझना है। एक बार लेक्चर देखिए, इस वीडियो को देखिए, वापस से एक बार रिवाइज कीजिए और फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे मैंने बात की है एप्लीकेशंस के बारे में, उसके बाद में हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में जहाँ पे हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के बारे में। इंटरडिसिप्लिनरी मोड में भी हमारे पास में इसके क्या होते हैं, बायोलॉजी के एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, हमारे पास में जो बायो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आते हैं उनका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन होता है, जिसपे हम फोकस करते हैं हमारे मेटल आयंस को लिविंग सिस्टम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम स्पेशल लिगेंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरफायरिन रिंग के बारे में। आपको ये रिंग अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैंने हमने दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे जो इमिडाजोल रिंग आपकी मिल रही है आपको, आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, और ये किससे कनेक्टेड है, ये यहाँ से हमारे पास में CH ब्रिज से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इमिडाजोल रिंग बनानी है और उनको आपको कनेक्ट करना है, एक बीच में एक CH लेकर आएंगे और उसको इस तरीके से आप बनाइए, फिर यहाँ पे आपको डबल बोन बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे एक हाइड्रोजन को आप इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आपके पास में ये स्ट्रक्चर इजीली बन जाएगा। दूसरा इमिडाजोल रिंग का आपको पता होना चाहिए, दो इमिडाजोल के यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, ये हमें हाइड्रोजन्स मिलते हैं, उसके अलावा क्या होगा, चार हमारे पास में, 1, 2, 3 और 4, चार हमारे पास में CH वाले हाइड्रोजन्स हैं, दो हमारे पास में NH वाले हैं और बाकी जो रिंग के साथ में है 2, 2 एंड 2, 4, 6 एंड 8 हाइड्रोजन हमारे पास में ये हैं। तो जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप उसको पार्ट्स में याद करते हैं, जैसे कि कितने रिंग्स आपके पास में हैं, कनेक्शन किससे होगा, CH ब्रिज से होगा, तो अगर ब्रिज से हो रहा है वहाँ पे तो बीच में क्या हो जाएगा, आप एक डबल बोन लगा के चार डबल बोन बना दीजिए, दो NH आ गए आपके पास में और दो दो हाइड्रोजन्स आपको इमिडाजोल रिंग पे लगाने हैं, हो गया याद, है ना। ये स्ट्रक्चर्स आपको लिखकर प्रैक्टिस करने हैं, जब आप पेपर में जाएंगे वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप हर एक चीज़ को लिख के याद करें, लिख के और फिर एक्सप्लेन करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम से याद रखना है, अभी क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आपसे इसका NMR भी पूछा जा सकता है, मैं आपको कराने वाली हूँ इसके NMR का भी, कहाँ कहाँ पे पीक्स आती हैं, UV में कहाँ पे आती है, सब कुछ हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रही हूँ कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो आप उसकी पीक्स खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि NH का पीक कहाँ पे आता है, CH के चार है तो कहाँ पे आएगा, 4 point something पे हमारे पास में CH का पीक आता है इसका, मिथाइलिडीन का, है ना। तो इस टाइप से आपको सारे स्ट्रक्चर, सारे ग्राफ बच्चों जरूर जरूर आना चाहिए। मैं आपसे ये एक मेरा सजेशन मान लीजिए, एक्सपीरियंस मान लीजिए, जितना आप ग्राफ्स को, जितना आप स्ट्रक्चर्स को
समझेंगे पेपर के अंदर, आपको 50% हेल्प तो ये स्ट्रक्चर से और क्या कहते हैं ग्राफ वगैरह से हो जाती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, है ना। इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझिए, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ आपको क्रैम नहीं करनी है। कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो आपको क्रैम करनी है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ कि उसको हम याद कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ समझना है यहाँ पे। दूसरी चीज़, पेपर आपका नज़दीक आ गया है तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को रिवाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आप CSI या नेट का एग्ज़ाम के लिए एकदम ये चाहते हैं कि मेरा नेट और JRF दोनों इस बार हो जाए, तो अब आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स आपने फाइनल करिए, कुछ फिजिकल से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में थर्मोडाइनमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी गुड टॉपिक है ना। वहाँ से क्या होगा आपके, उसके साथ में हमारे पास में और कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वांटम आता है ना। अब आइए इनऑर्गेनिक के ऊपर, हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आ गया, केमिकल बॉन्डिंग है, मेन ग्रुप एलिमेंट है। छोटे टॉपिक्स में आप आइए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक है, सॉलिड स्टेट है। ऐसे सारे टॉपिक्स को आप मिला के अपना पेपर का बनाइए टोटल, कि मुझे यहाँ पे हमारे पास में पेपर आता है 200 नंबर का, तो मुझे कितने नंबर का, सॉरी 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो हमें कितने को अटेम्प्ट करना है, कितने पे हमारा JRF जाता है। तो JRF के लिए अगर आप सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 125 जनरल कैटेगरी के लिए हमारे लिए बहुत ही सेफ साइड होता है, 125 से 130 नंबर का बहुत ज़्यादा सेफ है। तो मैं बहुत सेफ बता रही हूँ, आप 120 तक भी आ सकते हैं JRF के लिए। तो आप अपना अचीव करिए कि मुझे कितना प्रिपेयर करके जाना है, मुझे 200 मार्क्स का प्रिपेयर करके जाना है, मुझे टोटल 300 मार्क्स का प्रिपेयर ही नहीं करना। इसीलिए थ्योरी को अब छोड़िए, तीनों टॉपिक्स को मत लेकर चलिए, आप सिलेक्शंस करिए अच्छे। ऑर्गेनिक से आप क्या करना चाहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म करना चाह रहे हैं, पेरीसाइक्लिक करना चाह रहे हैं, वहाँ से कुछ टॉपिक्स को निकालिए। फिर आप डिसाइड कीजिए कि बी पार्ट के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स को रखते हैं, और सी पार्ट जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं वो आप कहाँ से करना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि सी पार्ट में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है और वहाँ से ही आपका पूरा का पूरा पेपर एक अच्छे उस पे वेटेज पे जाता है। इसीलिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मुझे आज इतने मार्क्स का करके जाना है, उसके बाद में हम जो मुझे नहीं आता, जो जिसका मुझे डाउट है, वो हम करेंगे ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं आपका एग्ज़ाम होने से पहले हम बहुत सारी लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, और मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बहुत सारे लोगों का अपना भी, कि जब हम पेपर देते हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे हमें अपने एग्ज़ाम को, पेपर को जब हम लेकर बैठते हैं तो कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, और कम टाइम में ज़्यादा आंसर्स सही कैसे करने होते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो तो प्रैक्टिस से ही करेंगे, आपका जितना आप पढ़ेंगे उसी से ही होगा, बट फिर भी उसका एक स्मार्टर वे होता है हमेशा काम को करने का। तो जब आप हॉट सीट पे बैठे हैं, उससे पहले आप हमारी लाइव क्लासेस को प्लीज़ आप उनको ज्वाइन करिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इस पर भी आपकी लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अटेंड करिए, ताकि जितने बच्चे भी पेपर के लिए जा रहे हैं उनको एक अच्छी हेल्प वहाँ से मिले। तो आप इस वीडियो को ऐसे शेयर भी कर सकते हैं, बाकी आप हमारा प्लीज़ इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इतना ही बोलना चाहती हूँ, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आई होप इतने में आपको रिंग हमारी याद हो गई होगी, इमिडाजोल रिंग आएगी 4, बीच में CH ब्रिज बनाना है, डबल बोन, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन्स अपने लगा देने हैं, और इस तरीके से हम इस रिंग को याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आती है 4-5-1 रिंग। अब इसका जो प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, वो कैसे होगा, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का हम इमिडाजोल के साथ में करेंगे। ये हमारे पास में DDQ एक रिएजेंट होता है इस रिएक्शन को कराने के लिए, जिसके अंदर साइनाइड होता है, और यहाँ पे क्या होगा BF3O82, ये हमारे पास में ल्यूइस एसिड होता है, इसका नाम होता है 2,5-डायामिथाइल साइनाइड करके, ठीक है, और पीछे होता है बेंजोक्विनोन, और ये हमारी बनती है 4-5-1 रिंग। हाँ जी, इनके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं इट इज अ मैक्रोसाइक्लिक लीगेंड। आई होप आपको पता होगा लीगेंड्स क्या होते हैं,
लिगेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डिलोकलाइजेशन होता रहता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी आपको, है ना, या फिर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास में लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड किसको किसको अपने से कनेक्ट कराता है? पॉजिटिव कैटायंस को, या फिर बोल सकते हैं हम वहां पे, और किसको बोलेगा कि भाई हमारे पास, जैसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि ये इनके ऊपर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, तो ये ल्यूइस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और जो हमारे पास में इनसे मेटल कनेक्ट होते हैं वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूइस एसिड्स, है ना। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, साइक्लिक, तो जो बड़ा साइक्लिक लिगेंड हमारे पास में बना हुआ है, मैक्रो साइक्लिक लिगेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है। दूसरी एरोमेटिक है ना, यहाँ तो हमने देखा पाई डिलोकलाइजेशन हो रहा है, एरोमेटिक है, प्लेनर है, पाई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, एंड हक्कल रूल को 4n+2 को ये फॉलो करता है। यहाँ पे हमारा देखिए 22 आ रहा है, तो यहाँ से मेरा n कितना आता है, क्योंकि मेरा n यहाँ पे कितना है, 5 है। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? पहली साइक्लिक में पढ़ते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए कि HCHO को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं PHCHO से, फिनाइल से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरी पोरफाइरिन रिंग के अंदर जहाँ पे भी आपको H दिख रहा है, जो हमने एच एच वहां पे लगाया है, उसकी जगह पे हमें क्या मिल जाता है? PH मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए इट इज अ रिजिड सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोरफिन मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास में टेट्रा पायरोल कनेक्टेड होता है बाय मिथाइलिडीन CH ब्रिजेस, एंड दीज पोजिशंस आर लेबल्ड एज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो चार हमारे पास में CH ब्रिजेस आ रहे हैं डबल बॉन्ड के साथ में, मिथाइलिडीन है वहां पे, इसको हम कैसे करेंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, या फिर 5, 10, 15, 20, जो इनकी क्या है, नंबर ऑफ पोजीशंस होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेरी पोरफाइरिन रिंग है वहां पे, इट कैन एक्सेप्ट टू हाइड्रोजन्स टू फॉर्म अ डाया कैटायन और डोनेट टू प्रोटॉन्स टू फॉर्म डाया एनायन। अगर आप स्ट्रक्चर में जाके देखेंगे तो वहां पे दो हाइड्रोजन हम उसमें डाल सकते हैं। इन मेटेलोपोरफाइरिन कॉम्प्लेक्सेस द इनर एच एटम्स आर रिप्लेस्ड एज प्रोटोन बाय डाया पॉजिटिव मेटल आयन, एंड देयर फोर यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या बात की जा रही है कि जो हमारे पास में, एक मिनट, हाँ जी, इस रिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये रिप्लेसिबल होते हैं। अगर इन हाइड्रोजन्स को हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारी रिंग के ऊपर माइनस का टू चार्ज आ जाता है, और इसी माइनस टू चार्ज में अगर यहाँ पे एक पोजिशन, अब देखिए दो हाइड्रोजन निकल गए हैं तो खाली हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम Fe2+, क्योंकि डाया पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव यहां से, एक पॉजिटिव यहां से, दो पॉजिटिव चाहिए, तो आयरन यहां पर आएगा और क्या करेगा, जो जगह हाइड्रोजन ने यहां पे छोड़ दी है उसमें आयरन आ जाता है, क्योंकि उस पर प्लस टू चार्ज होता है, इसीलिए वो दोनों से बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, और यही बोलते हैं इसी को मेटलोपोरफाइरिन। यहाँ पे पोरफाइरिन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होके हमारे पास में डाया पॉजिटिव मेटल कैटायन आ जाता है, तो मेटल एंड प्लस पोरफाइरिन रिंग, इसको हमने बना दिया मेटल पोरफाइरिन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसी के बारे में मैं बोल रही थी, आपको NMR जरूर पता होना चाहिए, इसमें याद करना है। हमारे पास में तीन सिग्नल आते हैं, मैंने बताया तीन टाइप के हाइड्रोजन है, एक NH हो गया, एक CH हो गया, और दूसरा जो रिंग के ऊपर दो दो हाइड्रोजन है, आठ हैं, तो जो वो आठ हाइड्रोजन है उनके लिए पायरोल का 8.8 PPM पे हमारे पास में उनका पीक आता है। सेकंड है, दो हाइड्रोजन हैं जो अटैच हैं किससे, नाइट्रोजन से, उनका आता है -2 to -3। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर हाइड्रोजन है मिथाइलिडीन ब्रिजेस के लिए, जिसका हमारे पास में पीक आती है 4.4 के ऊपर, ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास में IR स्पेक्ट्रा का, तो NH टचिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में आती है, दैट इज 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर हमारे किसकी आती है, IR फ्रीक्वेंसी आती है NH की। एंड UV में हमारे पास में दो ब्रॉड बैंड्स आते हैं, जिसमें से एक हमारे पास में थोड़ा शार्प होता है, और नेक्स्ट हमारे पास में जो होता है वो कैसा होता है भाई, थोड़ा सा इस टाइप से होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा, है ना। तो ये हमारे पास में एक ये पीक आ गई और दूसरी ये पीक आ गई, तो इसमें देखिए यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर इस पीक को हम बोलते हैं, ये काफी शार्प है, ये होता है सॉलिड बैंड,
इसको हम बोलेंगे सॉलिड बैंड एंड दीज आर क्यू बैंड्स. ये क्या होता है भाई, काफी ब्रॉड होता है, इसके इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी देखिए काफी कम मिलेगा. और हमारे पास में ये कहाँ पे आता है, सॉलिड बैंड आता है 400 नैनोमीटर. नैनोमीटर क्या होता है, इसकी यूनिट हम यूवी विजिबल को नैनोमीटर में मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में इसको इस यूनिट के अंदर लेते हैं नैनोमीटर में. आईआर का याद रखिएगा सेंटीमीटर इनवर्स में लिया जाता है. किसके फॉर्म में लिया जाता है, ये फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में लिया जाएगा. और उसके बाद में दूसरी चीज क्या थी, हाँ जी क्यू बैंड की बात करेंगे तो क्यू बैंड हमारे पास में आता है 450 से स्टार्ट होता है और आगे हमारे पास में विजिबल रेंज होती है 750 तक. तो वहां तक ये इस टाइप से चल ही रहा होता है ना. तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है. अच्छा, जो ये बैंड्स आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, हमारे पास में पोरफायरिन रिंग के अंदर जो होमो होता है दैट इज हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो फील्ड होता है पाई इलेक्ट्रॉन से. जो डबल बॉन्ड हमारा दिखाई दे रहा है पायरोल रिंग का, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जाते हैं कहाँ पे, पाई स्टार के अंदर. तो जो ट्रांजिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का वही रीजन होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के लिए, मतलब कि इन दोनों पीक्स के लिए. आई होप आपको पता होगा यूवी विजिबल रीजन के अंदर जो भी आपको पीक्स मिलती हैं वो हमेशा ट्रांजिशन से मिलती हैं इलेक्ट्रॉन के. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बहुत सारी जगह से होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, पाई टू पाई स्टार होता है, एन टू सिग्मा स्टार होता है, एन टू पाई स्टार होता है. ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, जो मैं आपको ऑलरेडी हमारे वीडियोस में करा चुकी हूँ. आप प्लीज जाके पीछे के सारे वीडियोस देखिए, आपको वहां से काफी चीजें क्लियर होंगी. और उसके अलावा भी मैं ट्राई करती हूँ जो भी टर्म हमारी यहाँ पे आ रही है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना. तो हम बात करें यूवी विजिबल की, इसके अंदर दो बैंड्स हमारे पास में आगे. दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ऐसा आपके पास में मॉइटी है जो यूवी विजिबल में आपको अच्छी पीक्स दे रही है तो उसके कलर्स भी आते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांजिशन कर रहे हैं वो कैसा स्पेक्ट्रा देते हैं भाई, वो स्पेक्ट्रा अगर देते हैं तो उनके कलर्स भी आते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ्स, क्योंकि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या आते हैं, कलर्स आते हैं. पोरफायरिन रिंग हमेशा बहुत ही डीप ब्लू कलर देती है, आप जाके गूगल पे चेक करिएगा इसका पिक्चर. हमारे पास में इन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से इसका कलर कैसा आता है, डीप ब्लू आता है. तो ये भी आप याद रखिए कि जब हम बात कर रहे हैं पोरफायरिन रिंग की तो ये ब्लू कलर है, बट हमारे ब्लड का कलर कैसा आता है, रेड आता है. तो वो क्यों आता है, आयरन की वजह से आता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो लास्ट पॉइंट यही था कि हमारे पास में क्या हो रहा है, जो कलर ट्रांजिशन आ रहा है वो होमो जो कि पाई है वहां से ल्यूमो के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है. ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो होमो टू ल्यूमो के अंदर जब ट्रांजिशन होगा तब कलर आता है, तभी स्पेक्ट्रास आते हैं. एक सॉलिड बैंड आता है, एक क्यू बैंड आता है. और होमो एंड ल्यूमो को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, फोमो बोलते हैं, दैट इज फ्रंटियर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, फोमो FMO बोल सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में भाई जो हमारे पास में मेटल सेंटर है उसी के ऊपर डिपेंड करती है क्या ट्रांजिशन डिपेंड करेगी एंड इंटेंसिटी ऑफ बैंड डिपेंड करेगी. ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैप्चर होते हैं, उनके साइज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. अगर साइज मेरा फिट हो रहा है उस कैविटी के अंदर जो रिंग बना रही है तब हमारे पास में डिफरेंट इंटेंसिटी आएगी, डिफरेंट स्पेक्ट्रा आएगा यूवी. तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि मेटल कैसा है उस बात पे डिपेंड करेगा कि स्पेक्ट्रा कैसा आ रहा है ना. नेक्स्ट की बात करते हैं. देखिए जो मेटल आयंस हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, D0, D1, D2, D3 एंड D10. तो D10 हमारे पास में, ये अगर मैं कैटायंस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आयंस हमने लिखा है मेटल नहीं लिखा है, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, हमारे पास में D10 कौन सा होगा, जिंक होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम. तो इनके अंदर क्या होता है भाई, हमें अगर आप देखेंगे ध्यान से T2G एंड EG दो हमारे पास में क्या बनते हैं, इसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं. तो T2G लोअर एनर्जी का होता है और जो क्रोमियम आ गया उसके अंदर हमारे पास में क्रोमियम तक T2G की ही फिलिंग होती है जो कि लोअर एनर्जी में होता है. और इसी रीजन से हमारे पास में इस लो एनर्जी की वजह से ML पाई बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, दे डू नॉट फॉर्म मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड्स. क्योंकि शुरू में तो बनेगा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वो कौन बनाता है, लिगेंड. लिगेंड डोनेट करेगा मेटल के पास में तो कोऑर्डिनेशन आ गया. उसके बाद में मेटल जो अपने एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको किसको देता है, लिगेंड को. और क्या बनाता है,
पाई बॉन्ड बनाता है, ये हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई T2G की एनर्जी लो होती है, अगर हम CFSC का हल्का सा मैं आपको आइडिया दूँ तो हम कैसे बनाते हैं, मेरे पास में ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे एंड इस टाइप से कुछ बनता है, दिस इज T2G एंड दिस इज EG। तो यहाँ पे क्या होता है, CFSC हम काउंट करते हैं, यहाँ पे माइनस का 0.4 आता है, ये माइनस का 0.6 आता है, दिस इज अच्छा ये हो गया हमारे पास में। तो ये तीन होते हैं, ये दो होते हैं, ईजी हो गया, ये हायर एनर्जी का होता है और ये लोअर एनर्जी का होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, DXY, DYZ, DZX, और इसमें कौन से आते हैं, DX² Y² DZ² दो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि इसके अंदर पोरफायरिन रिंग का π2π* एनर्जी का जो इफेक्ट आता है वो बहुत ही कम आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, जबकि अगर आप बात करेंगे 4 to 9 D4, D5, D6, D7, D8 और D9 का बात करेंगे तो वहां पे फिलिंग किसकी होनी स्टार्ट हो जाती है, D9 तक हमारे पास में, D4 से D9 तक EG के अंदर। और EG कहाँ पे है, हायर एनर्जी लेवल पे होता है। तो वहां पे क्या होगा, अगर वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा तो एनर्जी का जो गैप होता है, देखिए मेरा ये पाई है और पाई स्टार मान लेते हैं यहाँ पे, तो T2G नीचे है ना, इसीलिए क्या नहीं हो पा रहा, ट्रांजिशन हो नहीं पाता, एनर्जी गैप हो गया ज्यादा। लेकिन EG मान लेते हैं यहाँ पर है, अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो ये गैप कम होता है इसीलिए ट्रांजिशंस भी ज्यादा होते हैं, और जितने ज्यादा ट्रांजिशंस होंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या दिखेगा, हमें कलर दिखता है, स्पेक्ट्रा दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, जो एनर्जी गैप होगा हमारा, हाँ जी, एंड कॉजेज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इस रीजन से हमारे पास में क्या करेगा, ये ब्लू शिफ्ट दिखाता है। तो ब्लू शिफ्ट का मतलब कौन सा होता है, कौन सी होती है भाई वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की साइड में ये हमें मिलेगा। हाँ जी, तो ये हमारे पास में इसका हो गया है फ्रॉम मेटल टू मेटलोपोरफायरिन की बात करते हैं तो उसमें हमारे एग्जाम्पल आता है फर्स्ट, देखिए ये भी यहाँ पे समझाया हुआ है हमने कि मेटल इस तरीके से हमारा जो कैविटी बनाई है, किसने, ये दो नाइट्रोजन्स यहाँ पे आ गए इमिडाजोल रिंग का और पायरोल पोजीशंस के ऊपर, यहाँ पे मेटल बीच में आ जाता है और इस तरीके से ट्रैप होगा। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, द साइज ऑफ द कैविटी इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग इज आइडियल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जो पोरफायरिन रिंग है हमारे पास में, उसकी कैविटी का साइज और जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास में आयरन आता है, निकिल आता है, कोबोल्ट आता है ना, ये सारे के सारे परफेक्ट साइज होते हैं किसके लिए, कैविटी के लिए, पोरफायरिन रिंग की कैविटी के लिए। इफ द मेटल आयन इज टू स्मॉल द रिंग बिकम रफल टू अलाउ क्लोजर अप्रोच ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ द मेटल आयन। मतलब कि क्या बात कही जा रही है कि अगर मेरे पास में मेटल मेटल का साइज क्या हो गया, छोटा, तो जो नाइट्रोजन है वो पास में आने की कोशिश करेंगे मेटल की और वो रफल्ड स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है। और अगर लेकिन साइज हो गया बड़ा तो वो फिट ही नहीं हो पाएगा। देखिए आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास में साइज किसी भी चीज का, कोई बकेट है, कोई कुछ भी आपके पास में, एंड यू आर ट्राई टू फिल द बॉल, आपके पास में मान लेते हैं कोई बॉल है और उसका साइज छोटा है जो आपका कंटेनर है, तो वो बॉल जाता ही नहीं है, वो उसके ऊपर रह जाएगा। सिमिलर केस इसी का है, अगर आयन का साइज बड़ा है कैविटी से तो वो ऊपर बैठ जाता है, अंदर फिट नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसा हो जाता है, डोम स्ट्रक्चर के जैसे हो जाता है, डोम जो आप आटा लगाते हैं थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ वैसा ही टाइप का बन जाएगा, डोम स्ट्रक्चर बनता है। तो फिटिंग देखते हैं सबसे अच्छी किसकी होती है, निकिल की होती है, निकिल 2+ कॉपर 2+ कोबाल्ट आयरन एंड जिंक। तो ये हमारे पास में क्या होता है, इसका साइज का होता है सबसे अच्छा, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, फिर आयरन एंड फिर जिंक होता है। स्पेक्ट्रल चेंजेस की बात करेंगे तो जैसे ही हमारे पास में मेटल आ गया पोरफायरिन रिंग के अंदर तो क्या हो जाता है भाई, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अब NH का हाइड्रोजन गायब हो गया और मेटल आयन आ गया और हमें जो अपना स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो NH की वजह से मिल रहा है, तो अब NH तो बचा ही नहीं ना, इसीलिए जो NH की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आई थी वो हमारी डिसअपियर हो जाती है। इसीलिए जब भी हम लैब के अंदर भी, हम खुद भी, मैंने मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स पे हमने काम किया है, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, अपना मेटल को उसमें ट्रैप करने के बाद में हम उसका IR लेते थे अपने कॉम्प्लेक्स का, तो वहाँ पे इसी टाइप से जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो देखी जाती है। तो जैसे अगर मेटल आयन उस जगह पे ट्रैप हो गया जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, OH आ गया, NH आ गया, तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्वेंसी है NH की वजह से वो डिसअपियर हो जाती है। सेकेंड है हमारे पास में, अगर NH के H ही नहीं रहे तो
तो उनकी वजह से एनएमआर के अंदर भी सिग्नल्स नहीं आते हैं, तो दे विल ऑल्सो डिसअपियर। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो सोरट बैंड है हमारा वो कैसा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, और जो क्यू बैंड है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये हमने कहाँ पे पढ़ा, जमलोस के डायग्राम में हम पढ़ते हैं कि हमारा एस नोड से एस टू जो होता है दिस इज सोरट बैंड, एंड एस नोड से जो ट्रांजिशन होता है एस वन का, ये आपको स्टेट दिखाई गई, ये एस नोड ग्राउंड स्टेट है, ये सेकेंड स्टेट है और ये फर्स्ट स्टेट है। तो ये इस टाइप से आप देखिए एस नोड, एस वन एंड एस टू, तो जो हायर एनर्जी का है वो सोरट है, जो लोअर एनर्जी का है वो कैसा है, क्यू पीक्स है। ये कहाँ से लिया है, जमलोस के डायग्राम, ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं भाई, जमलोस की हम पढ़ते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने इसको पढ़ाया है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पास में हायर एनर्जी का होगा और उसके अंदर क्या होता है भाई, वो स्ट्रांगली अलाउड होगा और इसको हम बोलते हैं सोरट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कलर जो आता है हमारे पास में पोरफायरिन रिंग का, मेटलो पोरफायरिन रिंग का, वो या तो पोरफायरिन रिंग ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस होती है, या तो डाया एनायन की फॉर्म में होगी या डाया कैटायन की फॉर्म में होगी। तो किसकी वजह से होता है, पाई जो कि क्या है, होमो, और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, पाई टू पाई स्टार, मतलब कि होमो टू लूमो, ओके ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा जी, सोरेट पीक जो मेरी आती है, जो बैंड आता है वो हमारे पास में ब्लू वेवलेंथ रीजन में आता है, और कुछ इस टाइप से आपको एक ही पीक दिखेगी और वो इस टाइप से होती है, क्योंकि मेटल के साथ कनेक्ट होने पे क्यू बैंड्स डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ जी देखिए, तो अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर पर्सपेक्टिव से हीमे ग्रुप के बारे में, जहाँ पे हमारे पास में जो मेटल होता है पोरफायरिन रिंग के अंदर वो कौन सा होता है हमारे पास में, Fe2+, जो कहाँ से कहाँ पे चेंज होता है, या तो इसकी ऑक्सीडेशन Fe2+ भी हो सकती है और चेंज होके कभी कभी Fe3+ भी होगी। कब कब होगी हम अभी देखने वाले हैं। तो सेंटर में मेरे पास में कौन आ गया, आयरन आ गया, जहाँ पे जो चारों नाइट्रोजन है पायरल इसके सिस्टम के, वो इससे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हीमे ग्रुप के लिए आपको याद करने की ज़रूरत है, देखिए आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जो पहली रिंग है यहाँ पे CH3 है, दूसरी पे भी CH3 है, और CH2 CO नेगेटिव है, यहाँ पे भी, यहाँ से इधर आएंगे थर्ड पे CH2 CO नेगेटिव, ये सिस्टम सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब ये दोनों सेम हो गया यहाँ पे। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों में, तो दोनों पे CH3 लगा दो, अब बच गया R1 एंड R2। अब आपको याद करना पड़ेगा R1 एंड R2 की वैल्यूज, जो ये सब्सिस्टुएंट है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हेमे का नाम बदलता जाता है। जैसे कि हेम ग्रुप ए अगर हम बोलेंगे, टाइप ए के लिए बोलेंगे, तो R1CH(CH2) होता है, R1 ये वाला, और R2 मेरे पास में होता है C18H30OH, तो ये हेमे ए आ गया। टाइप बी के लिए ये वैल्यूज आ गई, सी के लिए ये वैल्यूज आ गई, जहाँ पे अगर हमें सी की बात करेंगे तो R1 एंड R2 दोनों ही इक्वल होते हैं, और वो किस में होता है, प्रोटीन कनेक्टेड होता है, सल्फर वाला सब्सिट्यूएंट साथ में चल रहा होता है। क्लोरोहेमे के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, R1CH(O) होता है, R2CH(CH2). अब क्या करना है, याद कैसे करना है, ठीक है, तो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, बस ये याद रखिए कि दो के ऊपर तो CH3 है और एक क्या है सब्सिट्यूएंट CH2CH2CO-, दोनों के ऊपर ये सेम है, दोनों के ऊपर, और जो बाकी के दो रिंग्स बची हुई है ये वाली मेरी, इनके अंदर क्या है भाई, इमिडाजोल में CH3CH3। अब बच गए R1 और R2, तो ये चारों वैल्यूज, बस आपको ये याद रखना है कि A के अंदर क्या आएगा, B के अंदर क्या आएगा, C के अंदर मैंने बताया सल्फर वाला प्रोटीन होता है, तो ऐसे याद करिए, है ना, D के जिसको क्लोरोहेमे जिसको हम बोल रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से, तो ये चार वैल्यूज अब आपको ये याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर चीज़ क्रैम करने की नहीं होती, बट कुछ चीज़ें जब याद करने की आएंगी कि इनको याद करो, तो बस आपको वो दो बारी पढ़ के याद कर लेना है, तो ये यहाँ से आप याद करिए इसको। अब हम बात करेंगे जो मैंने बताया टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और क्लोरोहेमे के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई बताइए टाइप ए जो है वो कहाँ पे आपका बी बी पार्ट में आ सकता है, कि कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कहाँ पे होता है भाई, साइटोक्रोम ए के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा, कौन, साइटोक्रोम ए, तो देखो ए से याद कर लो, ए से मतलब हेमे ए, ऐसे याद कर लो। बी कहाँ पे देखने को मिलता है, अब बी ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर, मायोग्लोबिन के अंदर, देखिए पेरोक्सीडेज के अंदर एंड साइटोक्रोम बी के अंदर, तो साइटोक्रोम बी तो सीधा सीधा याद रहेगा टाइप बी से, अगर हीमोग्लोबिन का याद करना है तो बिन बिन से याद कर लो, और साथ में एक पेरोक्सीडेज एक्स्ट्रा वो भी याद कर लो। सी बहुत ईजी है, साइटोक्रोम सी के अंदर होगा, जो क्लोरोहेमे होता है वो हमारा क्लोरो
क्यूरीन के अंदर होता है, इसको देख लेना आप। ऑल दी बायोलॉजिकल यूज ऑफ हेमोग्रुप आर इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है भाई, बाइंडिंग ऑफ डाया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ह्यूमन बॉडी का, या फिर हम बोले जितने भी हमारे पास में ह्यूमन बींग्स हैं, जितनी भी लाइफ है इस वर्ल्ड के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, वो सर्वाइवल जो है वो डाया ऑक्सीजन की वजह से है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हमारा हेमोग्रुप का ही होता है, हीमोग्लोबिन का होता है ना। तो हम पढ़ेंगे अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास में कैसे कैसे हो सकता है भाई, देखिए दो टाइप से होगा, कि या तो हेमोग्रुप प्रेजेंट हो या हेमोग्रुप एब्सेंट हो। तो जब हेमोग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। टाइम टू टाइम डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आपकी जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे टिश्यूज में, और तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। इसीलिए अगर आपका हीमोग्लोबिन की एक अगर आप जाकर देखेंगे, आपको पता भी होगा, तो उसकी वैल्यू हमारी होती है कि 11 से अबव होना चाहिए, अप टू आई थिंक 15 तक हमारा ये होना चाहिए। और अगर आपका 12 टू 13 है तो ये बहुत ही सही आपका इसका हीमोग्लोबिन की वैल्यू आती है। तो इतना तो ज़रूर होना ही होना चाहिए, आपको हर 6-6 महीने में अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि आपका एच बी कम आ रहा है, काउंट कम आता है, तो उसके लिए आयरन की जो डेफिशिएंट, जो भी ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, उसकी चीज़ों को आपको इनटेक करना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको कभी नोजिया है, कभी यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हेल्दी रहने के लिए हमारे लिए एक हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक है ना। आप क्या पढ़ रहे हो, आप यही पढ़ रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो आप ब्रीथ करते रहते हो, ठीक है। हाँ जी, तो अगर प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, और अगर एबसेंट है तो हम क्या बोलते हैं इसको, हीमोसाइनिन बोलते हैं, याद रखना है। दूसरा आप आ गया, ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, स्टोरेज कौन कर रहा है, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ लेकर जा रहे हो अपने घर पे, तो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मार्केट टू योर होम, एंड देन उसको स्टोरेज कौन करेंगे आपके घर पे, जो भी आपके पेरेंट्स, आपकी मदर है, आप उनको वो चीज़ देते हैं और वो जाके अलमीरा में उसको रख लेते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं उन सब चीज़ों का, है ना। तो एक तो ट्रांसपोर्टर हो गया यहाँ पे, जो कि हीमोग्लोबिन होता है, और जो स्टोरेज करते हैं वो कौन सा होता है भाई, अगर मेरे पास में जो हीमोग्रुप होगा उस स्टोरेज सिस्टम को तो बोलते हैं मायोग्लोबिन, और अगर उसके अंदर हीमोग्रुप हमारा एब्सेंट होता है तो हम क्या बोलते हैं, हेमेराइथ्रिन। ये नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाँ जी, तो थोड़ा सा अब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉइटी है। तो चलिए, यहाँ पे क्या होता है भाई, ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है, एंड मॉलिकुलर वेट हमारे पास कितना होता है, 17,000 डाल्टन। डाल्टन क्या है, यूनिट है मॉलिकुलर वेट का। जब आपके पास में मॉलिकुलर वेट हम काउंट करेंगे अपनी ह्यूमन इसके लिविंग सिस्टम के अंदर, तो ये किससे कोऑर्डिनेट करता है, O2 के साथ में, डाया ऑक्सीजन के साथ में, वो भी रिवर्सिबली, मतलब कि क्या है, उसको अपने आप से कोऑर्डिनेट भी कर सकता है, डी कोऑर्डिनेट भी कर सकता है, एंड कंट्रोल्स इस कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर मायोग्लोबिन क्या करता है, टिश्यू के अंदर रिलीज करता है ऑक्सीजन को, और वहीं पे ही क्या होता है, हमारी ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज को, जो ऑक्सीजन हम हमारी मायोग्लोबिन दे रही है टिश्यू को, वो ग्लूकोज क्या होती है, कंबशन होता है उसका डाया ऑक्सीजन से, और वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है भाई, एनर्जी के अंदर, CO2 के अंदर, एंड वाटर के अंदर। इसीलिए हम ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करते हैं CO2 को, ठीक है। सो इनहेल कर रहे हैं O2 एंड एक्सहेल कर रहे हैं CO2, प्लस में वाटर बनता रहता है, एंड एनर्जी जो हमें मिलती है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, है ना। अच्छा जी, इट हैज अ प्रोटीन चेन कंटेनिंग 153 अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज फोल्डेड अबाउट सिंगल हेमे, एक सिंगल हेमे के में फोल्डेड रहते हैं क्या, अमीनो एसिड्स। सो आई होप आपको अमीनो एसिड्स के बारे में पता होगा, ये भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अपने बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, 12th क्लास के अंदर, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है ये। दिस रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ आयरन एटम बाई ए सेकेंड हेमे एंड रिड्यूसेज द प्रोबेबिलिटी टू फॉर्म हेमाटिन। क्या होता है देखिए मायोग्लोबिन के अंदर, कि ये फोल्डेड रहती हैं अमीनो एसिड्स ना, तो इस वजह से ये जो सेकेंड हेमे ग्रुप है उससे हमारा आयरन कोऑर्डिनेट नहीं करता है, क्योंकि ये फोल्डेड फॉर्म में है, और यही रीजन है कि हेमाटिन नहीं बनता। हेमाटिन क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो डाइमर होता है जिसके अंदर हमारा आयरन डाइमर बना लेता है, Fe2+ से निकल के Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये फास्ट है तो आप
अपना ये दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब आता है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको रिवाइज करना और ये चैप्टर जो है वीडियो के फॉर्म में सुनना, इट्स वेरी इजी। और यहाँ से देखिए, वीडियो से आपको एक और फायदा भी मिल रहा है कि हमें कई बार ही पढ़ने में आलस आता है, बुक्स को लेके बैठते हैं बट हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, तो उसका सबसे अच्छे सेंसेस जो हमारे हैं, सुनने वाले और देखने वाले, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं और इससे इजी इजी से आप चीज़ें याद कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पूरा दिन बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसी टाइप से वीडियो को ऑन कीजिए और बस सुनिए, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लिखते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको जो आपका स्किल है ये चीज़ों को याद करने का, वो बढ़ेगा। प्लस ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको पढ़ने के टाइम पे बोरियत नहीं होने वाली, डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं क्योंकि आपका फोन ऑलरेडी बिजी होगा वीडियो को चलाने के अंदर, है ना। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये सब चीज़ें भाई। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मायोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन साइट्स कितनी होती है, चार होती हैं आयरन के लिए, विच आर अटैच टू नाइट्रोजन। तो हमारे पास में ये जो आयरन है ये चार नाइट्रोजन से जो पोरफायरिन रिंग है उससे कनेक्ट होता है पायरल रिंग के साथ में, और जो फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट है वो कहाँ किससे कनेक्ट होती है, नाइट्रोजन होता है इमिडाजोल रिंग का, किसका, देखो प्रोक्सीमल हिस्टाडीन यूज होता है इसमें, प्रोक्सीमल ये याद रखना पड़ेगा। जो फिफ्थ कोऑर्डिनेशन साइट है वो क्या होती है, प्रोक्सीमल हिस्टाडीन, इसकी जो इमिडाजोल रिंग है उसके नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट होता है। और जो ये सिक्स्थ साइट होती है, वैकेंट साइट होती है, ये हमारे पास में वैकेंट होती है, और यहीं पे कौन आता है भाई, हमारे पास में डाया ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉक्सिमल एंड है इसका, और यहाँ से आयरन मेरा कनेक्ट हो रखा है, ये इसका डिस्टल एंड होगा, एंड ये ऑलरेडी प्रोटीन चेन से कनेक्टेड होता है, जो मैंने बताया था अभी प्रोटीन चेन की हम बात कर रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास में आयरन टू होता है, आयरन टू बोले तो D6 सिस्टम, एंड D6 का मतलब क्या है, D6 का मतलब है 4s2, तो दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ऑलरेडी, D6 के अंदर हाई स्पिन होता है, T2g के अंदर तीन होंगे, Eg के अंदर जो दो जाएंगे, और फिर सिक्स जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g के अंदर जाएगा। तो इस टाइप से बनता है हमारा, क्योंकि ये हाई स्पिन है इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारी किसी भी सिस्टम के अंदर, कैटायन के अंदर क्या होता है, आपके पास में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो कैसा हो जाता है, पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। पैरा मैग्नेटिक्स क्या होते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, नॉर्थ एंड साउथ एंड बना लेते हैं, एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाते हैं, सो दे आर पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आयरन का, जो हमारे पास में आयरन टू है उसकी जो रेडियस होती है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 92 पिकोमीटर होती है, जो एकदम फिट बैठती है इसकी कैविटी के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सूडो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। सूडो का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ ना हो के उसके जैसा लगना, मतलब कि जस्ट थोड़ी सी कुछ कमी है और कुछ वो हो जाएगी कमी पूरी, तो वो एकदम उसी परफेक्ट अपने उसमें आ जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट कब बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट हमारा तब बनाता है जब छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो चार तो पायरल रिंग के आ रहे हैं जो कि प्रोटीन से आ रहा है, पांचवा आ रहा है प्रोक्सीमल हिस्टाडीन से, और जो सिक्स वैकेंट साइट है वो ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहा होता है। तो जब वो ऑक्सीजन आ जाता है तब आयरन की छह कोऑर्डिनेशन नंबर पूरी हो जाती है, और वो कैसा बन जाता है, कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल उसका एनवायरनमेंट बन जाएगा। लेकिन जब तक वो छठ मतलब ऑक्सीजन नहीं आया, डाइऑक्सीजन जब तक नहीं आया है, तब तक वो सिक्स जो वैकेंट साइट है छठवीं, सिक्स जो है वो खाली रहती है, वैकेंट रहती है, और तब हमारे पास में इसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, पांच लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं, पांच कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं। अगर पांच होता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा बन जाता है, स्क्वेयर पिरामिडल बन जाता है। इसीलिए इसको बोला गया कि Fe2 जब होगा तो वो कैसा होगा भाई, स्क्वेयर पिरामिडल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सूडो ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही डाया ऑक्सीजन आएगा, छह कोऑर्डिनेशन साइट्स उसको मिल जाती हैं, तो वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो जब तक हमारे पास में डाया ऑक्सीजन नहीं आता है, तब तक आयरन को अपनी एक कोऑर्डिनेशन साइट क्या हो रही है, उसको मिल नहीं रही है, वो वैकेंट है, तो वो क्या चला जाता है, वो कैविटी से ऊपर की तरफ चला जाता है। कितना ऊपर चला जाता है, 42 पिकोमीटर अबोव द कैविटी ऑफ द पोरफायरिन रिंग, है ना। तो इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बताने की, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने आपको समझा दिए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना।
जी, तो ये प्लेन जो होता है नाइट्रोजन एटम का रिंग के अंदर उसके ऊपर होता है। अच्छा जी, तो अब आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम अपना मायोग्लोबिन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी, तो जब डायोक्सिन मॉलिक्यूल बाइंड करता है हमारे Fe2 के साथ में, तो ये कैसा बन जाता है? लो स्पिन मैक्सिमम CFSC देगा। कैसे? T2G के अंदर कुछ इस टाइप से है, दिस इज EG एंड दिस इज T2G। तो हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जैसे ही डाइऑक्सीजन आया तो क्या हुआ भाई, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इसके अंदर T2G के अंदर, और इसको बना देता है पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक बनेगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो CFSC के लिए, कहाँ पे T2G को मल्टीप्लाई करना होता है 0.4 से, माइनस का होता है, और ये कितने 6 हैं, तो 2.4 मैक्सिमम किसकी वैल्यू आती है भाई, हमारे पास में CFSC की वैल्यू आती है मैक्सिमम, दैट इज 2.4, है ना। और डायमैग्नेटिक हो गया। अब क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन जो है उनमें से कौन सा ऐसा है जो डायमैग्नेटिक है, कौन सा ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है। तो अभी हमने देखा, हम बात कर रहे थे मायोग्लोबिन हमारे पास में कैसा होने वाला है, डायमैग्नेटिक होने वाला है। ओके, इसका लो स्पिन होगा T2G6 एंड EG0। ओके हाँ जी, तो हम बात करते हैं रेडियस डिक्रीज की, बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि रेडियस कैसे डिक्रीज होती है, कैसे होगी कि जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स हमारा होता है तो उसके अंदर हम जानते हैं कि जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं भाई, वो डायरेक्टेड होते हैं लिगेंड्स की तरफ। क्यों? क्योंकि वो साइड्स पे एक्सेस पे मिलता है, DX² Y² एंड DZ² जो होते हैं वो हमारे ऑन एक्सेस होते हैं, और जो DXY DYZ DZX ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो लोब्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं। लिगेंड हमारा एक्सेस से अप्रोच कर रहा है और मेरा ईजी ऑर्बिटल भी कहाँ पे, एक्सिस पे ही है, तो डायरेक्ट इनका क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट इनका इंट्रैक्शन होता है, और उस वजह से क्या होगा कि भाई हमारे पास में जो रेडियस है आयरन का वो ग्रेटर होगा हाई स्पिन के अंदर, लेकिन लो स्पिन के अंदर क्या हो जाएगा, वो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे के सारे, तो ईजी में तो बचे ही नहीं है जो कि पॉइंट कर रहा था लिगेंड को, तो जब अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो लिगेंड भी ज्यादा अंदर तक जा सकता है ना। अगर आपको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहाँ पर, ईजी के अंदर, वो कहाँ चला गया, और अंदर T2G के अंदर, डायमैग्नेटिक सिस्टम है। तो अब जो लिगेंड है वो और क्लोजली अप्रोच कर लेता है, इसी रीजन से आयरन का साइज भी कैसा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और रेडियस कैसे कर जाती है भाई, डिक्रीज कर जाती है। हाँ जी, तो ये देखिए इस टाइप से हमने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये 42 पिकोमीटर अबोव है, ये हमारे पास में एक प्लेन है, आप ऐसा मान सकते हो, है ना। जैसे ही हमारे पास में आयरन किससे कनेक्ट होगा, डाया ऑक्सीजन से, ये हुआ डाइऑक्सीजन से कनेक्ट, और ये यहाँ पे क्या आ गया भाई हमारे पास में, इससे पूरा का पूरा कनेक्ट होके प्लेन के अंदर आ गया। थीटा क्या होता है, इसका एंगल होता है, वो किसके बराबर में होगा, हमारे पास में 130 डिग्री एंगल बनता है, ये किसका, FO डबल बॉन्ड O का। तो ये एंगल आप याद रखिएगा इसको, इसमें हमारे ये कहाँ से स्टडी करी गई है, एक्सरे स्टडी से की गई है, एक्सरे डायफ्रेक्शन से, सिंगल क्रिस्टल से। नोट डाउन हमें करना है कि क्या जब भी ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO बाइंड करता है किसको, 6 पोजीशन को, मायोग्लोबिन की, देन आयरन बिकम्स को प्लेनर विद द पोरफायरिन एंड रिजल्टिंग इनटू द कॉम्प्लेक्सेस विच इज डायामैग्नेटिक, अभी बताया है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बहुत ही अच्छा लिगेंड है किसके लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि मायोग्लोबिन से जैसे डाया ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बहुत ही स्ट्रांगली इसका क्या होता है, कनेक्ट होने की एबिलिटी होती है। और ये क्या करता है, स्पिन पेयरिंग को क्योंकि फोर्स करता है, बैक पाई बॉन्डिंग करता है और कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। यही तो रीजन है कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है कोई भी इनहेल कर लेता है तो जहां जहां पे डाया ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट होनी थी वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो डाया ऑक्सीजन जो हमें, जो पूरा प्रोसेस मेरी बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर कर रहा है एनर्जी को रिलीज करने का, कंबशन करने का, वो तो कर ही नहीं पाएगा, और कौन आ गया उसकी जगह पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। इसीलिए बहुत सारी जगह पे जब कहीं पे भी कोई बर्निंग ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो सफोगेशन जो होता है वहां पे क्या होता है भाई, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बन जाती है ना धुएं के अंदर जैसे बनता है, और सफोगेशन की वजह से लोगों की डेथ होती है। उसका रीजन ही यही है कि वो जब वो ब्रीथ कर रहे होते हैं तो O2 की जगह
ज्यादा अच्छे से बाइंड कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में बर्निंग की वजह से आ गई है वो ब्रीद कर लेते हैं, और उसके सफोगेशन की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, इसीलिए जो बर्निंग जो भी जगह होती है उससे हमें बच के रहना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्न होने से ही डेथ इंसिडेंट्स होते हैं, इसके सीओ की प्रेजेंस से भी हो जाते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं हम आगे इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास में हीमोग्लोबिन है। आज हम इतना ही करेंगे इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ बीच बीच में ना सिर्फ टॉपिक कराने का, बल्कि आपको बूस्टअप करने का, ये समझाने का कि कितना ज़रूरी है चीज़ों को पढ़ने के साथ में आपको अपने एक एनालाइज करना चीज़ को, कि हाँ हम कितने लेवल पे आ गए हैं, हमें और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इसी वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव सेशन के जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मोस्ट वेलकम है, हमारे कॉमेंट बॉक्स में हमारी वीडियोज़ को जाके आप देखिए। डेमो क्लासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसी के साथ में मैं आज के इस टॉपिक को यहाँ पे हम रेस्ट देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी हीमोग्लोबिन के बारे में, कैसे वो काम करेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे बोहर इफेक्ट के बारे में, उसके बाद में बायोइनऑर्गेनिक के जो 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 चीज़ें बची हुई हैं उनको हम प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से करें, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, और इस एग्जाम को आई होप एंड यू नो आई विल ट्राई कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने में मेरी साइड से थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन मिले। सो गुरु इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही टाइप की फैसिलिटी हैं। हम रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है जिसके अंदर थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस होते हैं, और उनको आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करते हैं ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। हम भी आपको इस पोडियम पे, मैं CSIR, NET, IIT के जो पेपर्स हैं, जैम हो गया, गेट हो गया, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कराती हूँ अपनी क्लास के अंदर, है ना, ताकि बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चंस यही हो जाते हैं। उसी के साथ में हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं, और एंड तक आपको पूरा का पूरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे मिलता है। अगर आप गेट के लिए कोचिंग कर रहे हैं या CSIR नेट के जून एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, आप कॉल करिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच।